इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। आज मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला अपर गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहा हूं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को एक प्रोजेक्ट दिया है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका शिलान्यास 2021 जून में होना है, उसी तरीके से इस उत्तर प्रदेश को और इस गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने वाला एक और एक्सप्रेसवे, जिसका नाम प्रोजेक्ट 4 रखा गया है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपर गंगा कैनल के नाम से है, जिसका निर्माण 2021 में शुरू होना है। दर्शकों, मैं बता दूं, ये भी एक एक्सप्रेसवे 8 लेन का बनाया जाएगा और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। इस योजना से मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बताता हूं ये कैसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा और कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वो मैप दिखाना चाहता हूँ जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे को अपर गंगा कैनल को जोड़ा जाएगा। 8 लेन एसेसरीज कंट्रोल एक्सप्रेसवे ऑन द राइट बैंक ऑफ अपर गंगा कैनल फ्रॉम सनोटा ब्रिज डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर टू नियर पुरकाजी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर बिफोर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर। सबसे पहले इस मैप के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं हरिद्वार है, हरिद्वार को भी ये कनेक्टिविटी मिलेगी और पुरकाजी को, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और NH-58 से भी इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका स्टार्ट पॉइंट है सनोटा ब्रिज बुलंदशहर के अंदर है और इसका एंड पॉइंट, इस एक्सप्रेसवे का जो एंड पॉइंट होगा नियर पुरकाजी मुजफ्फरनगर बिफोर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर तक इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को सरकार ने प्रस्ताव दे दिया है और इस एक्सप्रेसवे पर मोहर लग गई है। इसका बहुत ही जल्द इसका निर्माण और सर्वे प्रारंभ कर दिया जाएगा और 2021 में ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द परपोज प्रोजेक्ट विल इंक्लूड फॉलोइंग लिंक ऑफ द एक्सप्रेसवे अपर गंगा कैनल। ये एक्सप्रेसवे इतना महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे होगा इस उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है उसी तरीके से इस एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से कनेक्टिविटी मिल जाएगी और गंगा एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट पर बात करना चाह रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा मेरठ शहर के पृथ्वी दक्षिण गंगा नहर एक्सप्रेसवे को मेरठ हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए दक्षिण पश्चिमी और नया रोड और प्रस्तावित DFC टर्मिनल लगभग 23.5 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे मेरठ में बनाया जाएगा। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा में पुरकाजी से देवगंज की ओर एस्टन की दिशा में पुरकाजी की ओर जाने वाली इस रोड को लगभग 16.5 किलोमीटर का इस रोड को बनाया जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं डासना फॉल लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास उत्तर ईस्टर्न फेरीवेल ईस्ट की दिशा में मसूरी की ओर जाने वाली NH-200 जो NH-24 नई एयरलाइनेज UJC एक्सप्रेस वे को भी तैयार किया जाएगा। दर्शकों, इस एक्सप्रेसवे से बनने से और इसका हमने अभी कुछ भाग बताया है और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की भी प्रक्रिया और कितने इसमें जिले जोड़े जाएंगे और कहां पर इसमें कनेक्टिविटी की जाएगी इस एक्सप्रेसवे में, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस प्रस्ताव को मंजूरी सरकार ने दे दी है और इसका बहुत ही जल्द सर्वे शुरू कर दिया जाएगा और अपर गंगा कैनल ब्रिज को इसका निर्माण भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ये पहले बना हुआ है लेकिन इसका अभी और इसका चौड़ीकरण हम बोल सकते हैं, मरम्मत हम बोल सकते हैं, इसको अभी और तरीके से किया जाएगा जिसको 8 लेन का इसको बना सके और गंगा एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्ट किया जा सके। दर्शकों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी।